पुलकित एंड आई होप यू लाइक माई अर्ली वीडियो और जो मेरा इनैक्ट था इनकाउंटर आंटी के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ था वो आपको पसंद आया होगा. तो येस अब जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टॉप 5 पीपल यू शुड नॉट डेट बीइंग ऑन वीडियो. होगा जो इनकाउंटर आंटी हैं उन्होंने मेरे को आज 5 ऐसी डेट, 5 से ज़्यादा ही थी एक्चुअली, उन्होंने हाँ एटलीस्ट मेरे को आज कल 1000 में से मैंने उनमें 5 ऐसे गॉन के सिलेक्ट किए हैं वो जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. जस्ट टेक अ लुक. मैं कुछ नहीं करती जी, बस बैठी रहती हूँ, बस जीवन साथी की तलाश है जी, ओ मिल जाए तो बस मैं ज़िंदगी बिता लेनी है. इच्छा तो वो कलर्स वाली थी ना, हाँ जी हाँ जी वो ही इच्छा थी. और अभिलाषा तो मेरी स्कूल फ्रेंड सी, हम तो हम बात नहीं होती जी, बड़े लोग बड़िया बड़िया गल्ला हूँ तो मैं तो तुम जानते ही हो. ग्रेजुएट हो जी, मम्मी पापा ने जी शादी करने को बोला है, मैं उनकी बात मान गई. देखो शायद कोई ना कोई लड़का मिल जाए, आप ही हो जाओ जी. जी काम तमाम करती हूँ, एक ही बात जो ये कोई वहाँ पे बोल ले मैं आपको वहाँ से 2-4 धर देती हूँ, वहाँ फिर आराम से बैठ के आराम से कोई बात हो जाती है जी, फिर तो वो बंदा बोलता ही नहीं है, फिर मैं ही बोलती हूँ जी. कौन तू व्हीलचेयर पे बैठा बैठा ऑर्डर दिए जा रहा है कौन, नाम तो बता अपना, कौन है तू, अरे बताऊँ तेरे को, व्हीलचेयर पे बैठा बैठा प्रश्न उत्तर करी जा रही है मेरे से, है कौन तू, हू यू. आपकी मम्मी, मैं ज़ारा से शॉपिंग करती हूँ, H&M से शॉपिंग करती हूँ, बिकॉज दीज आर इंडियन ब्रांड, मैं फॉरेन के हैं बट स्टिल कभी कभार बाहर जाना नहीं होता ना, तो मैं यहीं से शॉपिंग कर लेती हूँ. आई लव शनैल, आई लव गुची, ओह माय गॉड, मेरे कभी कभार मेरे ब्रदर ना बाहर से भी शॉपिंग कराता है तो मैं उसे स्पेशली बोलती हूँ प्लीज़ भैया गुची और गबाना की तो कब लेके पर्स जरूर आना मेरे लिए, मेरे को तो वो बहुत पसंद है, मैं कभी कभी वहाँ से भी शॉपिंग कर लेती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है. मैंने तो भैया से बोला था भैया मेरे को मेरे लिए प्लीज़ लेके आना भैया, मेरे को गुची और किस पर्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे डॉल्स और गबाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है भैया. मैं तुझे माता रानी के जगराते में गाती हूँ, अब मेरे गाना सुनोगे, शेर सवारी आई मेरी माता, शेर सवारी आई, शेर सवारी आई मेरी माता, शेर सवारी आए, हाँ जी जय माता जी. मैं तुझे वहीं पे गाती हूँ. अब मेरे को अगर थोड़ा सा बॉलीवुड में जय माता दी मेरे को अगर बॉलीवुड में अगर थोड़ा सा चांस मिले ना तो मैं ना वहाँ पे मैं नेहा कक्कर जैसी बनना चाहती हूँ जी. ओहो और कुछ हो ना, स्वाद अनुसार गानों में जो छिड़काव होता है ना मज़ा आ जाता है जी. नेहा कक्कर का होश ना खबर है ये क्या, ओह सॉरी. अच्छा जी आपने तो वो गाना सुना ही होगा ना, एक बार मज़ा आ गया, देखो आनंद आ जाएगा, मैं तो इतनी खुश हो जाती थी नेहा कक्कर को सुनकर. आई लव नेहा. एक तो इनकाउंटर आंटी ना आई टेल यू इतना दिमाग खाती हैं ये लोग, उसके बाद तो ये लिस्ट चलिए छोड़िए. अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपका दिमाग खाता है, या अगर आपको इस 4-5 जो मैंने दिखाए हैं ऐसे गॉन केस आपकी लाइफ में हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड मेरे को ये ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज माता रानी है वही तो बेड़ा पाल लगाएगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू शेयरिंग. थैंक यू, बाय बाय, गुड, टेक गुड केयर ऑफ.